पहला मुकाबला खेला जाए सेमीफाइनल। नई गेंदबाज आए हैं पंकज, अपना अंतिम ओवर लेकर पारेगा, 11 ओवर लेकर 30 गेंदों में कितना रन बटोरेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दिव्यांश के लिए गेंदबाज पंकज, सुंदर गेंदबाजी की थी इसे पिछले दो ओवर जो डाले थे पंकज ने, अब क्या कुछ करेंगे अंतिम ओवर लेकर, खेल जरूर दिया उसे स्टेट ड्राइव में रन लेना चाहते राणा और हाना हाना हाना, सुंदर गेंदबाजी जहां पे एक रन होना चाहिए था वहां पे एक रन भी नहीं लिया और एक डॉट गेंद चलिए इस बार गेंदबाज हाँ बोला तो सुंदर गेंदबाजी इसे मैं स्ट्राइक पर होंगे जयेंद्र राणा, पिछले मैच में सुंदर बल्लेबाजी जरूर की थी इन्होंने, इस बार खेलना जरूर चाहते थे बढ़कर लेकिन सुंदर गेंदबाजी जितनी तारीफ करो उतनी कम, क्षेत्र रक्षण भी मिला जुला ही रहा है कहीं पे दो चार ओवर अच्छे क्षेत्र रक्षण कर रहा बैट कभी डगमगा जा रहा लेकिन सिंजल की तरफ से वो नई पारी दिखने को अभी तक नहीं मिली है जिसकी आस है सभी दर्शकों को। चले बात फिर से गेंदबाज पंकज इस बार खतरा कैच लेने होंगे आपको ऐसे ऐसे कैसे आप मैच नहीं जीत कैच इन द मैच और जयेंद्र राणा को एक सब जीवन दान, अब क्या कुछ करेंगे खराब चीज अच्छा बैट के द्वारा इस समय हाथ का कैच ड्रॉप जरूर किया उन्होंने, अब क्या करेंगे जयेंद्र राणा स्ट्राइक और दिव्यांश सामने पंकज 69 रन हो चुके हैं इस स्कोर बोर्ड पर। चले गेंदबाज सुंदर गेंद अंदर धुन बल्ला नजर कहीं बैट कहीं बॉल कहीं, सुंदर गेंदबाजी कर रहे हैं पंकज पिछले दो ओवर जो रन डाले थे सुंदर गेंदबाजी, छोटे अभी यंग स्टार लगभग लगभग 21-22 साल के बांध के रखा उसने आरसीबी के बल्लेबाजों को, यहां से खुलकर खेलना होगा अगर रन गति बढ़ानी है तो, खेल दिया गेंद बड़ी लाइन से बाहर 6 रन दिव्यांश के बल्ले से निकल गया दूसरा छक्का उसको वो जा पहुंचा 72। तो 11 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड 75 रन, मात्र 4 ओवर का खेल शेष है, यहां से कितना रन बटोरेगा आरसीबी सिंजल, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने होंगे और बैट को अगर यहां से गेंद अगर बैट इसमें कम से कम चाहेगा रोकना क्योंकि समय मात्र अभी 75 ही रन हो रहे 4 ओवर का खेल और शेष है कितने रन बनेंगे। गेंदबाजी के लिए आए हेमंत सामने हैं राणा, चले ओवर द विकेट भाई के रूप में रन तो खराब किया था विकेट गेंद के द्वारा स्कोर में जाए तो 76 रन, तो यहां से दिव्यांश को और राणा को कुछ बड़ी ईटे लगानी होगी, वही बैठ जाएगा कि यहां से डॉट बॉल निकाले, खेल जरूर दिया उसे भागना जाते मना किया, सात विकेट अभी हाथ में आरसीबी के पास, 12 ओवर चल रहा है कितने रन बनाएगा 200 रुपए। और ओम प्रकाश जी की तो आज मौजा ही मौजा, एक बार फिर से चले गेंदबाज हेमंत इस बार 6 रनों के लिए, बता दे छक्का है क्या 6 रन खराब गेंद, राजेंद्र जोशी जी की तरफ से ओम प्रकाश के लिए बेस्ट कैच के लिए 200 रुपए हमारे कॉमेडी बॉक्स में आ चुके हैं, पारी खत्म होने के बाद आप अपने पैसे जरूर
लेने का कष्ट करें। राजेंद्र जोशी की तरफ से बेस्ट कैच के लिए ओम प्रकाश जी के लिए 200 रुपए की धनराशि कुमति बॉस में पहुंच चुकी है। मैच खत्म होने के बाद आप ले लें, आपके टोटल पैसे 450 हो चुके हैं। एक बार फिर से चले हेमंत सामने दिव्यांश, इस बार खेल जाओ फिल्टर नीचे खराब क्षेत्र रक्षक में बात करूं तो खराब क्षेत्र रक्षक कर रहा है बैट, 4-5 कैच टपका चुका है और इस तरह से नहीं बनेंगे गुरु, कैच पकड़ने होंगे। थर्ड मैन में 2 कैच छूटे, 1 दीपक भट्ट ने छोड़ा, 1 इस समय छूट चुका है। ओम प्रकाश ने 2 कैच बढ़िया पकड़े। स्कोर बोर्ड जमकर था 83, 12 ओवर प्रगति पर, यहां से रन गति बढ़ाता सिलसिले बढ़ाने भी होंगे। चले हेमंत एक रन और स्कोर 84 रन। तो बैट की टीम 2 ओवर अच्छी फील्डिंग कर रही है, 2 ओवर फिर वहीं आ जा रही है और उसका फायदा सिंजल ले रही है और सिंजल को बड़े विकेट चाहिए यहां से। इसके बाद मात्र 3 ओवर खेल और शेष है, खेल रहे 6 रन छक्का। हेलो चेक हेलो, थोड़ा सा लाइट जाने की वजह से जो बेट डाउन आया था उसके लिए क्षमा चाहते हैं। 12 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बोर्ड है 90 रन, 18 गेंद खेल और शेष। तो मैं निवेदन करूंगा दोनों टीमों से जल्दी जल्दी करें, आप हेलमेट ले लें, अगर चाहिए तो कहीं से भी ले लें। शुरू हुआ है अपना अंतिम ओवर लेकर पारी का 13 ओवर लेकर, तीन तीन एक खिलाड़ी 3 ओवर से ज्यादा नहीं डाल सकता है। अवश्य विलंब ना करें, उसके बाद एक मैच और खेला जाना है सेमीफाइनल, तभी हो पाएगा फाइनल जब दूसरा मैच होगा आज पूरा। तो दिव्यांश होंगे स्ट्राइपर, सामने गेंदबाजी पर है शुभम, तो यहां से बड़े हाथ जरूर दिखाने हुए दिव्यांश सर गेंदर आग वही करते समय आज से सिंगल के 90-12-18 में कितना रन बनाएगा शुभम। चले खराब क्षेत्र रक्षण, इतनी सुंदर गेंद पड़ने के बाद जब खराब क्षेत्र रक्षण करते हैं तो थोड़ा सा मायूस जरूर होता है, भाई के रूप में रन मायूस जरूर होता है गेंदबाज, लेकिन सुंदर जरूरत है इस समय आरसीबी सिंगल को ऐसे रनों की, जितने रन यहां से बोल्ड पे लगाएंगे उतना उसके लिए प्लस पॉइंट। चले एक बार फिर से गेंदबाज बोल्ड लेग स्टंप ले उड़ी और ज्यादा नाखुश नहीं होंगे जयेंद्र राणा, क्योंकि अब इस यहां से मात्र बैट और 3 ओवर खेल शेष है, स्कोर बोर्ड 91 रन, बैट यहां से कितने कम रन पे रोकेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, कम से कम रनों पे रोकना होगा बैट को। सिंजल चाहेगा कि यहां से अगर 40-45 रन लग जाते हैं तो काफी हद तक खुश भी होगा सिंजल, और बैट सोचेगा कम से कम रन। अब आए रविंद्र कुमार पिछले मैच की हीरो,
पिछले मैच के गिरे मैदान की ओर आते हुए रविंद्र कुमारी और संजीव सजवार जी और प्रताप अगर मेरी आवाज सुने तो आ जाए इधर चाय पानी पीने तो आ जाए। रविंद्र कुमार सामने श्रीराम पिछले मैच के हीरो रविंद्र कुमार के लिए चले श्रीराम ये बल्लेबाज ना वहीं से सेट होकर आते हैं ये वहीं से सेट होकर आए पहली गेंदबाजी सुबह में अच्छी गेंदबाजी भी सुबह अभी भी अच्छी डाली थी उन्होंने ये बल्लेबाज सेट होकर आता इन्हीं ओवर में आते हैं लास्ट के है बेटा लेकिन चले एक बार फिर से इस बार खेल जहां खतरा हो सकता है एक जहां पर रन आउट होना चाहिए था वहां पर एक रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने तो अब इस टाइप होंगे दिव्यांश ध्यान से दिव्यांश के बड़े विकेट जरूर लगाने होंगे क्योंकि टीम को रनों की जरूरत यहां से शुभम सोचेंगे अगर यहां से डॉट बॉल निकालने में सफल हो जाते हैं। चलिए एक बार फिर से सुंदर गेंद अपनी जरूर की थी नकाराम पहने कोई नुकसान है कोई क्षति नहीं स्कोर बदस्तूर 98 रन। ये मैच कभी तो लग रहा है कि जहां तक मैं बात करूं तो गेंदबाजी सुंदर हुई अभी तक मात्र 98 रन है 13 ओवर प्रगति पर है अब कितना रन खर्चेगा बची हुई गेंदों पर ये तो सिंजल के बल्लेबाजों के ऊपर डिपेंड करता है और गेंदबाजों के डिपेंड करता है बैट। चले गेंदबाज सामने दिव्यांश सुंदर गेंद भागना चाहते थे मना किया कुमारी जी ने सुंदर गेंदबाजी छक्का जरूर खाया ओवर की समाप्ति एक छक्का मिला जुला ओवर एक छक्का भी लगा एक विकेट भी ली 13 ओवर खत्म मात्र 12 गेंद स्कोर बोर्ड 98 रन इन 12 गेंदों में कितने रन खर्च करेगा बैट सोचेगा कम से कम तो इस समय सारे दारू मदार दोनों सेट पर कुमाई जी अभी आते ही सेट होके आए थे वो अब कौन आएगा आएंगे दीपक भरजी आस कर रहा है इस समय बैट कि अगर दीपक अगर एक दो रन खर्च करते हैं शोर में तो काफी हद तक वैसे लेकिन सामने रविंद्र कुमारी और दिव्यांश सेट बल्लेबाज है रविंद्र कुमार अभी आने से एक छक्का लगाया लेकिन उद्घाटक गेंदबाज दीपक भर 14 ओवर लेकर अपना अंतिम ओवर लेकर चले दीपक भट्ट सामने रविंद्र कुमारी गिर गया बड़ी मछली फंसी जाल में रविंद्र कुमारी वापस एक छक्का जरूर लगा और जिस चीज के लिए दीपक भट्ट आए थे अपना कार्य कर रहे हैं समय तो आप तिजली फैला दें सुंदर कैच भी मंत्र जी का सुंदर गेंदबाजी करता उस समय आउट होने से पहले रन बनाए थे
बल्लेबाज अपना नाम बता दें। ऋषभ, ऋषभ आए नहीं बल्लेबाज सामने दीपक भट्ट। यहां से क्या बड़ी विकेट लगाने की जरूरत, आशीष सिंघल को बैट चाहेगा कि डॉट बॉल ले जाओ से सुंदर क्षेत्र। ये है दीपक भट्ट, नाम चलते हैं उनके ग्राउंड पर, पिछले साल की रनर टीम है। पूरी जान झोंक दी समय बैट ने। हेलो चलेगा, जिसे दीपक भट्ट सामने होंगे, खेलना चाहते थे यार, खतरा हो सकता है लेकिन एक रन मिल जाएगा आसानी से। तो यहां से बड़ी विकेट, अभी स्कोर मात्र 99 है, चौथा ओवर चल रहा है। तो भाई जितनी वापसी की है बैट ने उसकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम, क्योंकि आज जरूर निराश किया आरसीबी के बल्लेबाजों ने। हेलो चेक, एक बार फिर से चले दीपक भट्ट सामने होंगे, दिव्यांश वो अंपायर कैसा है ना, अंपायर कैसा है आउट, और एक और तड़का लगता है दीपक भट्ट की सुंदर गेंदबाजी, वापसी करते समय बैट, एक सेट बल्लेबाज वापस, अब दोनों नए बल्लेबाज होंगे मैदान पर, खेल मात्र 14 ओवर चल रहा है, परेशानी में जरूर हो सकता है आरसीबी सिंगल। अगर ये बची गेंद भी अगर यहां से सिंगल 20-25 रन लगाने में कामयाब हो जाता तो काफी हद तक खुश भी होगा। वैसे ग्राउंड 100 प्लस थोड़ा फाइटिंग स्कोर है, लेकिन बल्लेबाजी सुंदर है, बैट के पास आप हल्के में ना ले। और इसके बाद जो एक खत्म हो जाएगी तो ओम प्रकाश जी हमारे पास आ जाएंगे, आपके सारे चांस वहीं पे रखे हमने, जो भी डाले कहीं हम भूल गए थे, आप मत बोलना खाओ। हेलो चेक, हेलो दिव्यांश ने आउट होने से पहले अपनी टीम के लिए बनाए 26 रन, बोल गया दीपक भट्ट। इस ओवर में जित बात करूं मात्र अभी तक एक रन खर्च किया और 2 विकेट ले चुके हैं, सुंदर गेंदबाजी। आज राउंड की गेंदबाजी देखने को नहीं मिली अपने ग्राउंड पर, ये नहीं रणनीति, कल राहुल ने एक ओवर में 20 रन खाए थे, आज उन्होंने राहुल को गेंदबाजी, सुंदर गेंदबाज है वो, बल्लेबाजी बढ़िया है, ऑलराउंडर है, समझाते हो अपनी टीम को, एक सीनियर खिलाड़ी। नए बल्लेबाज भी नाम बता दें, परवीन पुंडीर संभवता, इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला, परवीन पुंडीर तो हाथ खड़ा कर दे भाई, ओके भैया, बड़ा मुकाबला थान वर्सेज जौनपुर फर्नीचर हाउस बिलोंदीपुर, थाने वर्सेज जयमा भवानी सर्ची के मध्य, उसके बाद एक बड़ा सिंगल मैन मुकाबला और देखने को मिलेगा, सभी दर्शकों को सभी की नजर होगी, कौन सी टीम होगी भाग्यशाली टीम जो इस समय फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, दम लगाना होगा दोनों टीमों को। बात करें दोनों सुंदर टीम है, कुछ भी कहना संभव इस मैच का। दीपक भट्ट सामने परवीन, अपना अंतिम ओवर है दीपक भट्ट का, अभी तक मात्र एक रन खर्च किया, 2 विकेट ले चुके इस ओवर में, चलिएगा पीछे दीपक भट्ट, सामने है परवीन, एक रन, 100 रन पूरे आरसीबी सिंगल के, 100 रन पूरे हैं, तो खुशी देखने को नहीं मिल रही आरसीबी के पास, खुशी थोड़ा लग रहा है से, वो तो अभी अंतिम ओवर आना बाकी है, कुछ भी कहना संभव, दीपक भट्ट की जितनी तारीफ करो उतनी कम, अभी तक 2 रन खर्च किए, 2 विकेट ले चुके हैं इन डेथ ओवरों में, जब टीम को जरूरत होती बड़े उड्स की, इस समय बांध कर रखा है, इस समय स्ट्राइक पर होंगे ऋषभ, और आउट, ताश की पत्तों की तरह इस समय विकेट गिरते हुए समय आरसीबी सिंगल के, और दीपक भट्ट के लिए यहाँ पर 250 रुपए की धनराशि दीपक भट्ट के द्वारा,
तीन विकेट ले लिए उन्होंने इस ओवर में और मात्र रन का दो रन खर्च किए। रमेश नड्डा जी की तरफ से दीपक भट्ट के लिए 250 रुपए का नगद पुरस्कार और पारी खत्म होने वाला पैसे जरूर ले लेना, तो यही होता है मनोबल बढ़ा रहे समय अपने खिलाड़ियों का। दीपक भट्ट के लिए 250 रुपए की धनराशि रमेश नौटियाल जी के द्वारा। ओवर की समाप्ति, लास्ट ओवर, 14 ओवर खत्म, 6 गेंद में खेल शेष, स्कोर वो 100 रन। अब नए बल्लेबाज धाकड़ बल्लेबाज इस ग्राउंड के जाने माने प्लेयर खुशपाल नेगी। खुशपाल नेगी की जितनी तारीफ करूं क्षमता है उनमें एक ओवर में 5 छक्के मारने की, लेकिन गेंदबाज है नीरज। खुशपाल नेगी हाथ खड़ा कर देगा है, ओके। तो क्या एक मैच में इन्होंने 5 छक्के लगाए तो क्या लगा पाएंगे आज, ये तो देखना। अभी 6 गेंद खेल शेष है समय, 7 विकेट गंवा चुका है इस समय आरसीबी सिंगल। स्ट्राइक करेंगे ऋषभ, गेंदबाजी पर है नीरज, कितना रन बनाएगा इन 6 गेंदों में देखने वाला। चलेगा फिर से नीरज, चले सामने है ऋषभ, गेंद को खेल डाला फील्डर उसके नीचे आउट। चलिए सुंदर गेंदबाजी, दीपक भट्ट और नीरज भट्ट दोनों भाई भाई सुंदर कार्य करते हुए। नीरज भट्ट दीपक भट्ट जिस पंकज तीनों भाई भाई हैं, तीनों भाई सुंदर कार्य करते अपनी टीम के लिए। विकेट कीपर आप चले जाए हैं भैया, 8 विकेट हो गए आप हर गेंद पर, 8 विकेट के नुकसान पर 100 रन, 5 गेंद खेल और शेष। अब आए हैं डॉक्टर मोंटी, डॉक्टर मोंटी लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं, कहां थे अभी तक, इनके साथ काफी क्रिकेट खेले मैंने, चाहे चमोली जिला हो, चाहे रुद्रप्रयाग हो, चाहे जामटी हो, चाहे ततियोड़ हो। तेल डालो भाई जी, तेल डालो, कमी मत करो। हेलो हेलो, और इस समय स्ट्राइक बॉल के खुशबाल ने 8 विकेट जरूर गंवा चुकी है आरसीबी सिंगल। मात्र 5 गेंद खेला शेष, कितना रन बटोरेगा, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने सोचेगी, बैट सोचेगा कि इस यहां से एक दो डॉट बॉल निकालने की। नीरज चले खेल दिया उसे फील्डर उसके नीचे पंकज, सुंदर क्षेत्र रक्षण, एक ही रन से। अब है डॉक्टर मोंटी, डॉक्टर मोंटी स्ट्राइक पर है, अगर यहां से एक दो बड़ी हिट लग जाती है तो काफी हद तक संतुष्ट होगा इस समय आरसीबी सिंगल, क्योंकि इस ग्राउंड पर 100 रन ए फाइटिंग स्कोर जरूर माना जाता है, लेकिन क्रिकेट अनिस्टम का खेल 101 रन, 4 गेंदों का खेल और शेष। चले गेंदबाज नीरज खेल रहा उसे, थोड़ा रुक के आए गेंद, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा, मात्र 3 गेंदों खेला और शेष। जितनी तारीफ करूं मैं दीपक भट्ट नीरज और पंकज तीनों भाई भाई, सुंदर गेंदबाजी भी की, क्षेत्र रक्षण भी अच्छा किया, यही होता है क्रिकेट में। पहली बार देखने को मिला कि बैट ने 5 कैच छोटे आज, अगर वो 5 कैच पकड़ता तो जरूर इस समय सिंगल परेशानी में होता, लेकिन क्रिकेट है कुछ भी कहना संभव। चले एक बार फिर से नीरज सामने खुशपाल नेगी, खेल दिया उसे और 1 रन भागकर पूरा कर दिया,
स्कोर बोर्ड 103 रन। दो गेंद और शेष, क्या करेंगे डॉक्टर मोंटी? और ओम प्रकाश और दीपक भट्ट, मैं एक बारी खत्म होने के बाद आप कॉमेडी बोर्ड चौके गुजरे। चलिए एक बार फिर से गेंदबाज नीरज, सामने होंगे डॉक्टर मोंटी। बोल्ड, अंतिम बैट्समैन आना बाकी, अंतिम गेंद शेष। सुंदर गेंदबाजी, जितनी तारीफ करूं इनकी भी उतनी कम। एक बार लग रहा था कि सिंजल 140-45 रन का स्कोर आराम से खड़ा कर लेगा, 9 ओवर में मात्र 2 विकेट हो रहे थे, उसके बाद जो वापसी की बैट ने काबिले तारीफ। अंतिम जोड़ी मैदान पर, अंतिम गेंद का खेल शेष, तो सिंजल सोचेगा कि बड़ी हिट, बैट सोचेगा कि डॉट बॉल, तो क्या होगा? 103 रन है, 99 गेंदों में 103 रन, इसके बाद बड़ा मुकाबला। जौनपुर फर्नीचर हाउस बिलोंगीपुर थाने वर्सेज जेमा भवानी सियालसी के मध्य। विनोद नेगी है तो हाथ खड़ा करें, विनोद नेगी है तो ठीक है, विनोद नेगी आए, नए बल्लेबाज सामने, नीरज अंतिम गेंद का खेल शेष, नोनी स्ट्राइक पर खुशपाल नेगी, तो क्या कुछ होगा इस अंतिम गेंद पर देखना बाकी। चले नीरज सामने है विनोद, और एक रन भागकर पूरा कर लिया। और स्कोर 104 रन, जीत के लिए 105 रन। और ओम प्रकाश और दीपक भट्ट हमारे कॉमेडी बॉक्स में आ जाए, उनके लिए कुछ धनराशि दी है।